This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः श्रावण शुद्ध नवमी दिनांक 28 जुलाई 2020 पतंजलि योग सूत्र प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम् अपिस्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं कुलधर्म साधनम् कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासो यदुक्तवान् तदहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे अधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिस्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यंच रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च समय सम्यक अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तत् भवेत्। पतंजलयोग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टस्वरूपे वस्थान वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयासं प्रमोषा स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यां तन निरोधः तत्र स्थितो यत्नोभ्यास सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्यस्य अशीकार संज्ञा वैराग्य तत्परं पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यं वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो न्यः बहु प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषा तीव्र संवेगानां आसन्नः मृदु मध्याति मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशये रतरा भ्रष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं सपूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदा तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादादस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमितत्वान्वस्तित्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्र श्वासप्रश्वासा विक्षेपसौभवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यपुण्यविषयाणां भावनात्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी निशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतज्ञानाद्वा परमाणु परममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्रहीकार्येषु तत्सततञ्जनता समापत्ति तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्ति स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वञ्च अलिङ्गपर्यवसानम् न एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशालध्येत्यात्मप्रसादः प्रदम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽङ्गसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निरुपीरः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। तर्हि
हमने जो आरंभ किया था वो योगश चित्त वृत्ति निरोधा, इससे आरंभ करके तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वृत्ति सारूप में इतरतः, और बाकी सब जगह जिस प्रकार की वृत्ति हो उसकी स्वरूपता चित्त को प्राप्त हो जाती है, ऐसा बताया। फिर वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्ति जो है वो पांच प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और वो वृत्ति प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रास्कृतया, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और श्रुति, ये पांच वृत्ति प्रकार की बताई गई। उनमें एक चित्त भूमि के बारे में निर्देश कोलटकर जी के ग्रंथ में आता है, और वैसा वो वाचस्पति मिश्र की टीका में भी है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, और जो है ये पांच चित्त भूमि इस प्रकार से बताए गए हैं। और वृत्ति जो है वो पांच प्रकार की बताई है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार से। और कोलटकर जी का कहना है कि ये दोनों चित्त वृत्ति रहते हैं, और जब असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है अवस्था, तो अक्लिष्ट वृत्ति रहती है, क्लिष्ट वृत्ति वहां उससे आगे नहीं रहती इस प्रकार से। तो क्लिष्ट का मतलब क्या समझे इसके बारे में, जिनसे क्लेश निर्माण होते हैं वो क्लिष्ट वृत्ति है, ऐसा एक विवेचन यहाँ पे आया है। और जो जिसके क्लेश निर्माण होते हैं और जो खुद क्लिष्ट इस क्लेश युक्त है वो क्लिष्ट है, इस प्रकार से एक उसका अर्थ किया जाता है। अभी प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा श्रुते, यहाँ ये पांच वृत्तियां बताई गई है जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार की बताई गई है। तो प्रमाण में भी एक ये वृत्ति ही है, ऐसा उनका कहना है। और प्रमाण से प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान होता रहता है, लेकिन वो भी एक वृत्ति ही है। और वृत्ति सारूप्य मितरत्र, तो ये द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम से अलग इस प्रकार की ये वृत्ति है, तो अंत में उसका भी त्याग कर देना है। लेकिन तो जब उसके ज्ञान होता नहीं है जब तक इस प्रकार से, तो शायद एक क्लिष्ट है। और जो मुक्त योगी है उसको प्रमाण के बारे में मालूम है, उसका ज्ञान है, लेकिन उससे उसको क्लेश नहीं होते हैं, क्लेश उत्पन्न नहीं होते, ऐसा एक इसका समर्थन किया जाता है। तो जिन प्रमाणों के आधार से कुछ यथार्थ वस्तु के बारे में निस्संशय इस प्रकार का ज्ञान होता है, वो भी अंतिमतः जाकर एक वृत्ति ही होती है। और इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाण, इनका जो कहना है कि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण है, तो जिसका साक्षात विवरण इसमें नहीं मिला तो मैंने वो चरक से बात पढ़ी, और चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 11 से इसके बारे में जो प्रमाण के बारे में जो विचार है, अपेन्द्रिय मनोदर्थ नाम संधिकर्षा प्रवर्तित व्यक्ता तथा प्रत्यक्षम सन्धि उच्चते वगैरह वगैरह के बारे में, और फिर अनुमान प्रमाण के बारे में, और फिर शब्द प्रमाण के बारे में, आप्तागमस्तावद्वेदाश्च वेदार्थात विपरीता कश्चित शिष्टानुगत संबंधा लोकानुग्रह प्रवृत्ता वादा सोपि आगमः, इस प्रकार के चरकाचार्य का वहां पे उपदेश है, उसको हमने सुन लिया था। और फिर विपर्य जो है वो मिथ्या ज्ञान इस प्रकार का, अतद्रूपक प्रतिष्ठम, जो वास्तव में नहीं है उसका उस प्रकार के ज्ञान होना, ये विपर्य ज्ञान इस प्रकार का कहा गया है। और शुक्ति में रजत का भास इस प्रकार का होना, या रज्जु पर सर्प का इस प्रकार का ज्ञान होना, ये मिथ्या ज्ञान और या विपर्य इस प्रकार का कहा जाता है, ये भी एक वृत्ति ही है, ऐसा कहना है।
इनके हिसाब से इस जगत पर जो माया के कारण ब्रह्म के ऊपर जगत का भास होता रहता है इस प्रकार से, वो भी एक मिथ्या ज्ञान इस प्रकार का ही है। और हम समझते हैं कि ये विश्व है, मैं इसमें संचार कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो है वो अंतिमतः मिथ्या ज्ञान इस प्रकार की है। और उसकी भी ये भी एक वृत्ति है, वो भी चली जाएगी। और ब्रह्म सत्य है, सभी प्रमाणों से ब्रह्म की सिद्धि होनी इस प्रकार का जो वो प्रमाण रहेगा। तो प्रमाण से इस प्रकार के विपर्य का बाधा बाध हो जाएगा और यथार्थ ज्ञान क्या है ये रहेगा। लेकिन ये भी इनके कहने के मुताबिक एक वृत्ति ही है, और उसका भी आगे त्याग करना है ऐसा उनका कहना है। तदा दृष्टु स्वरूपे स्वरूप अवस्थान, ये जो स्थिति है वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो दृष्टा ज्ञेय और ज्ञान ये जो त्रिपुटी वो बताई जाती है, वो त्रिपुटी रहती ही नहीं है ऐसा उनका इसमें कहना है। तो विपर्यय ये भी एक वृत्ति इस प्रकार की बताई गई और उसके बारे में ये सब कहा गया। कोलटकर की किताब जो उसकी भूमिका है वो मैं पढ़ रहा हूँ, और उनका सारा प्रयास शुरू में जो दिया गया है वो योग द्वैत पर है या अद्वैत पर है, इसी में उन्होंने ज्यादा जिक्र किया है। और बहुत सारे लोगों ने सांख्य योग इससे पकड़कर द्वैत की कल्पना की है योग के बारे में। और इनका कहना है कि एतेन योग प्रत्युक्तः, ये जो शंकराचार्य का कहना है कि सभी अन्य शास्त्रों का खंडन करते हुए इससे योगी प्रत्युक्त हो गया ऐसा शंकराचार्य का कहना है। और सभी लोग यही मानते चले हैं कि ये तो पातंजलि योग सूत्र है, उसका भी खंडन शंकराचार्य ने कर दिया है। लेकिन कोलटकर जी का कहना है कि ये जो सांख्य योग की जो परंपरा है वो काफी प्राचीन इस प्रकार की है, और उसका खंडन एतने योग प्रत्युक्ता इस वाक्य से किया गया है। पातंजलि योग सूत्र काफी वर्षों के बाद उत्पन्न हुए है और उसका खंडन नहीं किया गया। इसमें गीता में जो सांख्य योग के बारे में बताया गया है तो उसमें जो मूल रूप से योग है जिसके बीज वेदों में इस प्रकार से मिलते हैं उनके बारे में उसका धिक्कार करना या उनको गलत साबित करना ऐसा कोई प्रयास नहीं है। तो उसमें से जो अद्वैत पर इस प्रकार के सूत्र है उसका समर्थन गीता के द्वारा किया जाता है। अब हम जो लेकर चल रहे हैं ये शायद पहला ही प्रयास होगा इस प्रकार का अनूठा प्रयास होगा कि हम आयुर्योग को लेकर चल रहे हैं। एक तो जिन पतंजलि ने योग सूत्रों का निर्माण किया वही पतंजलि अगर हमारे अग्निवेश संहिता के प्रति संस्करण है तो उन्होंने शारीर स्थान अध्याय 1 में, शारीर स्थान अध्याय 5 में योग के बारे में जो कुछ लिखा है वो निस्संशय अद्वैत के बारे में लिखा है। अतः परम ब्रह्मी भूतो, इसके बाद वो ब्रह्मी भूत इस प्रकार का हो जाता है और फिर वो दूसरा कोई उसमें नहीं रहता है। वैसे देखा जाए तो चरक आचार्य ने शारीर स्थान पहले अध्याय में सांख्य इनका भी वर्णन किया है, षड्धात्मक पुरुष का भी वर्णन किया है, और आगे जाकर केवल चेतना ये भी एक पुरुष है इस प्रकार का भी वर्णन किया है। आदेश चेष्टना षष्ठा धातु पुरुष श्रुता ये भी है, चेतना धातु रत्ते का श्रुत पुरुष होने का ये भी एक वचन इस प्रकार का है। और आगे चलकर मुक्ति के जो उपाय उन्होंने बताए हैं उनको देखकर ये लगता है कि ये अद्वैत मतवादी ही है, द्वैत पर नहीं है।
शायद सांख्य के तत्व ज्ञान का उपयोग पर्टिकुलरली ये जो सत्कार्यवाद इसके लिए किया गया है, और दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणां एककारणम्। ये जो वाग्भट का वचन है, यथा पक्षी परिपतन सर्वत सर्वम छाया मत्यति नात्मी यान प्रथा यथा वक्तम विकार जातो में विदंत तीन गुणान नाति वर्तते तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तम अपि सर्वदा विकार जातो। तो सत्कार्यवाद का इस प्रकार का आश्रय लेना और इसके बारे में अहम चीजें बताना, ये एक चीज आयुर्वेद के हिसाब से वहां पे ली गई है। लेकिन दूसरी जगह हाँ, यवान का अध्याय 3 में जनपदोद्भवंस की बात कही गई है, उसमें दैवे पुरुष कार्य स्थितं यस्य बलाबलम् याग्नि भूतान भूतानां याग्निवेश भूतानां आयुर्युक्ति अपेक्षा। याग्निवेश यहाँ आयु को युक्ति की अपेक्षा है। दैवे पुरुष कालेश स्थितं यस्य बलाबलम्, दैव और पुरुष का इसमें इसका बलाबल स्थित है। तयोरुदारयोर्युक्तिर् दीर्घस्य शशुकस्य च नियतस्य आयुषो हेतु विपरीतस्य चेतः चेतसा विपरीतस्य चेतरा इस प्रकार। और दैवम आपका कृतम विद्यत करने है पौरोदहिकम, दैव जो है वो अपने हमने ही किया हुआ पौरोदहिक का इस प्रकार का कर्म है। तो ये स्पष्ट रूप से वेदांती का जो पक्ष है, कर्म सिद्धांत है, और कर्म के अनुसार हमें जन्म मिलता है और पूर्व कर्मों को भुगतना पड़ता है। ये सब जो चीजें हैं वो उसमें सभी समा जाती है। तो ये भी वेदांत पक्ष के अनुसार ही किया गया इस प्रकार का। और इसके आधार पर व्याधि के 3 भेद बताए गए, दुष्टापचार कश्चित कश्चित पूर्वापराधः तत्संकरात् भवत्यन्यो व्याधिरेव त्रिधा होता है। कि दुष्टापचार जिसका अपचार यहीं पे दिख रहा है, कश्चित पूर्वापराधः कश्चन व्याधि जो है वह पूर्व अपराध से उत्पन्न हुआ, पूर्व जन्म के कर्म से उत्पन्न हुआ, तत्संकरात् भवत्यन्य। और तीसरा जो है वो दोनों के संकर से बना हुआ, दत्वाल्पम सुखम है अल्पे न हेतु ना सक्रोध, थोड़े काल तक सुख मिलता है और थोड़ा हेतु मिलने पर भी वो ऊपर से वापिस आता है। ये जो स्थिति बताई गई है ये निश्चित रूप से पूर्व कर्म का सिद्धांत लेकर इस प्रकार की बनी है। तो जैसे कोलटकर सर का कहना है, कोलटकर कृष्णा जी कोलटकर जी का कहना है कि ये द्वैत मत पर नहीं है, ये जो योग सूत्र है वो अद्वैत मत का समर्थन करने के लिए लिया गया है, और वेदांत तो अद्वैत का समर्थन करने वाला ही है। इसलिए उनका कहना था कि वेदांत दर्शन ये अद्वैत मत को स्थापित करने के लिए बौद्धिक इस प्रकार का है, ज्ञान होने के लिए है, और ये प्रत्यक्ष पर है। योग सूत्र ये प्रत्यक्ष पर इस प्रकार का है और उसका ही ये प्रायोगिक अंग है, ऐसा उनका कहना है। और वेदांत जो दर्शन है जो शंकर भाष्य के ऊपर स्थित है वो उसका तत्व ज्ञान बताने वाला इस प्रकार का है। अभी जैसे मैं पढ़ता रहूंगा कृष्णा जी को लटकर का विवरण, तो ये बातें और थोड़ी स्पष्ट होती जाएगी। वाचस्पति मिश्र से लेकर सभी टीकाकारों ने इसका द्वैत पर इस प्रकार का अर्थ किया है पातंजलि के सूत्रों का, और उससे वो सहमत नहीं है। तो वो अकेले ही इस प्रकार के रहेंगे कि जो इसका द्वैत छोड़कर अद्वैत प्रकार से अर्थ लगाने वाले इस प्रकार के हैं। हमारे हिसाब में देखा जाए तो योगे मोक्ष की सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम, योगे मोक्ष निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तका, ये चरक कुछ सूत्र है चारिस्थान पहले अध्याय में इस प्रकार से, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। और आयुर्योग की संकल्पना में इसका एक अहम मुद्दा रहेगा कि योग मोक्ष की तरफ लेके जाने वाला है, और मोक्ष में सभी प्रकार की वेदनाओं की अनुभूति नहीं है,
सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम, क्योंकि नयता ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान ये त्रिपुटी नहीं है, ये जो तीन अलग अलग इस प्रकार के हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये जो पतंजलि का कहना है वही उनके हिसाब से मोक्ष इस प्रकार का है। मोक्ष रोजस तमो भवत बलवत कर्म संशयात संयोग सर्व संयोग ही अपन। सो रज और तम का अभाव होने के कारण बलवत कर्म संशयात, बलवत इस प्रकार के कर्म का क्षय होने के कारण वियोग है सर्व संयोग ही, सभी संयोग से वियोग अपनर्भवोच्यते, और जिसमें पुनर्निर्माण इस प्रकार का नहीं है वो मोक्ष इस प्रकार का बताया गया। तो ये सभी वर्णन अद्वैत से मिलता जुलता है, न कि द्वैत भाव से मिलता जुलता है। कोलटकर जी ने इसके बारे में काफी बहस किया है कि द्वैत मत में ज्ञाता जो है और ये जो जिसके बारे में ज्ञान होना है, ये दोनों अलग अलग इस प्रकार के हो जाते हैं। विष्णु का वहां पे जिक्र किया गया है कि विष्णु का ज्ञान इस प्रकार का होना, विष्णु तो बन नहीं पाते हैं ऐसा निश्चित है, पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का क्षय करने के लिए के क्या उपाय हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने कहा था कि इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा ऐसा है कि वो तो भुगतना ही पड़ता है, वो नष्ट नहीं होता, ऐसा एक मतलब प्रवाह प्रचलन में है। और रामकृष्ण को लेकर भी सभी देवताओं को भी इसमें से गुजर जाना पड़ा और उसको टालना मुश्किल इस प्रकार का था, तो इसीलिए राम को भी 14 बरस का वनवास भुगतना पड़ा इस प्रकार से। कृष्ण को भी जो शाप मिला अंत में उसके याद भी होगी और उसमें द्वारका नष्ट हो जाएगी, तो ये कृष्ण को भी सहना पड़ा इस प्रकार से। तो ये अगर राम और कृष्ण की स्थिति है तो सामान्य लोगों के बारे में क्या कहें ऐसा है। दूसरा एक उदाहरण देते हैं कि वाल्या कोड़ी था और वो लोगों को लूटता था, उनको मार देता था, वध करता था उनका। हाँ। और फिर जब नारद ने उन्हें उपदेश किया, उनको उपदेश किया कि तुम ये सब मार्ग छोड़ो और अच्छे मार्ग पर चलो, इस प्रकार सन्मार्ग में चलो, उन्होंने मान लिया और फिर बड़ी तपश्चर्या की और उनके वो जहाँ पे बैठे थे वो चींटियों का वारू उनका घर बन गया, इसलिए उनको वाल्मीकि ऐसा संज्ञा मिली और राम नाम का जप करते रहे। तो उन्होंने तो इतने बुरे पाप कर्म किए थे कि उनसे मुक्ति पाना अशक्य था, फिर भी एक दग्ध बीज इस प्रकार की संकल्पना है कि एक बार बीज भ्रष्ट होने से फिर से उगता नहीं है, उसकी प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार तप आचरण से अगर कर्म दग्ध बीज हो जाएगा तो वो अंकुरित नहीं होगा या उससे फल की निर्मिति नहीं होगी, ऐसा एक मतलब प्रवाह है। तो उसके लिए उतनी बड़ी तपस्या होनी चाहिए कि वो दग्ध बीज हो जाए तो फिर उसका कर्म भुगतना ना पड़े, लेकिन इस प्रकार की तपस्या यही एक बड़ी समस्या है। और बहुत सारी कथाएं इस प्रकार की है कि उसने बड़ी तपस्या किया और फिर परमेश्वर उनको प्रसन्न हो गए वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ये भी तो भुगतना पड़ता है, उस प्रकार की तपस्या करना ये भी तो भुगतना पड़ता है ऐसा है। तो इसमें दो इस प्रकार के हैं कि एक तो क्षय नहीं होगा, वो भुगतना ही पड़ेगा, नहीं तो दग्धबीज इस प्रकार का हो जाएगा और दग्धबीज होने के कारण उसको भुगतना नहीं पड़ेगा, उसका फलस्वरूप नहीं दिखाई देगा, ऐसा एक कहना है। तो ये विपर्यय, हम जब आए थे वो प्रमाण और विपर्यय यहाँ तक आए थे, और विपर्यय में मैंने हेतु भावित्वाभास का सभी उदाहरण लिया था चरक संहिता से,
शुरू में, और फिर तर्क संग्रह से काफी उदाहरण उसमें थे। सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिशत शासित दबाता सभ्य विचार रहा नहीं क्रांति का वगैरह वगैरह, जो पदार्थ विज्ञान में हमने सीखा है फर्स्ट ईयर में, उसकी एक बार आवृत्ति वहां पे मैंने की। और हमारा हेतु सद हेतु होना है, असद हेतु नहीं होना है। वो पक्ष में स्थित होना चाहिए, वो सपक्ष में स्थित होना चाहिए, विपक्ष से उसकी व्यावृत्ति सरकार की होनी चाहिए। और अगर ऐसा वो नहीं है तो साधारण असभ्य विचार इस प्रकार का हेतुआवर हो जाता है। तो सभ्य विचार इस प्रकार का हेतुआवर हो जाता है। साधारण असाधारण अनुपसंहारी, ऐसे तीन उसके भेद है। साध्याभाव साधक का साधकम हेतु पर ही ऐसे सब विद्यते स सब प्रतिपक्षा, इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। शब्दा नित्या श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् शब्दा नित्या कार्यत्वात् घटवत्, इस प्रकार के एक ही शब्द के ऊपर दो विभिन्न हेतुओं से दो परस्पर विरोधी कार्य हम सिद्ध करने जा सकते हैं इस प्रकार से। तो सत्प्रतिपक्ष असिद्ध, उसमें आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्यक्तित्व सिद्ध, ऐसे तीन प्रकार। और बाधित जैसे साध्याभाव प्रमाण अंतर में निश्चितता से बाधिता है, अनुष्ठा द्रव्यत्वाद जलवत, इस प्रकार के उदाहरण मैंने तर्क संग्रह से पढ़े थे। और हमारा जो हेतु है वो असद हेतु नहीं होना है। इस प्रकार का अगर असद हेतु या हेतुआभास इस प्रकार का हो तो उससे यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। और ये हमें जानना जरूरी है कि जो हम हेतु दे रहे हैं वो सद हेतु ही हो, इसलिए असद हेतु के क्या क्या स्वरूप है ये जानना भी आवश्यक है। और ये भी एक वृत्ति हो गई, इस प्रकार के विपर्य जो है उसको, मिथ्या मिथ्या ज्ञान जो है उसको जानने के लिए एक, ये भी एक वृत्ति इस प्रकार की हो गई। फिर आता है विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। तो शब्द ज्ञान को फॉलो करने वाला, उसके पीछे जाने वाला वस्तु शून्य लेकिन वस्तु से विरहित जो है वो विकल्प इस प्रकार का बताया। सन प्रमाणोपरोही, वो प्रमाण में उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता, न विपर्य विपर्य उपरोही, और विपर्य में भी उसका समावेश नहीं हो सकता, इसलिए उसको तीसरा तीसरी वृत्ति इस प्रकार की कही है। वस्तु शून्यत्वे भी शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनों व्यवहारो दृश्यते। वस्तु शून्य, वस्तु नहीं है फिर भी शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन, शब्द ज्ञान जो है उसके महात्म्य से जुड़ा हुआ व्यवहार इस प्रकार का दिखता है। एक मराठी में कहावत है, बाजार में तुरी भट भटनी को मारी, इस प्रकार से बाजार तुरी भट भटनी ला मारी। तो वास्तव में तुरी के तूर के संबंध में विवाद चल रहा है और वो अपनी पत्नी को पीट रहा है। वास्तव में तूर घर पे है ही नहीं, वो है बाजार में। केवल इस प्रकार से अगर होता है तो क्या होगा वगैरह वगैरह, या जो पंचतंत्र ने जो कथा ही है इसके बारे में, सोम शर्मा पितृ कथा इस प्रकार की, कि सोम शर्मा नाम का कोई ब्राह्मण इस प्रकार का है और उसके पास कुछ धान्य जमा किया हुआ है, और फिर उसका एक स्वप्न रंजन होता है दिन में ही, कि अगर अकाल होगा और दुर्भिक्ष होगा धान्य का तो इससे मुझे 100 मुद्राएं मिलेगी इस प्रकार से। और फिर उन मुद्राओं को मैं क्या करूंगा वगैरह वगैरह, अच्छा मकान खरीदूंगा, मेरी एक अच्छी पत्नी होगी वगैरह वगैरह। और फिर मैं अपनी पत्नी को बुलाऊंगा और वो अपने गृह कर्म के कर्म में दक्ष होने के कारण मेरा वचन नहीं सुनेगी, तो मैं उसको लत्ता प्रहार करूंगा। और फिर सच्ची में उसने लत्ता प्रहार किया और वो जो धान्य उसका पीठ बना के उसने वो ऊपर रखा था वो नीचे गिर गया और वो उसके पूरे बदन से गिर गया इस प्रकार से। तो यहाँ पत्नी है ही नहीं वास्तव में, शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य इस प्रकार का है।
कि वो केवल कल्पना कर रहा है कि इस प्रकार से होगा वगैरह वगैरह। और फिर वस्तु शून्य विकल्प, उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ऐसा होगा, ये ऐसी चीज है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के बारे तो इसको अलग निकाला। शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधना व्यवहारा दृश्यते तथा चैतन्यम पुरुष से स्वरूप है, कि चैतन्य पुरुष का स्वरूप है। यदा चित्तेरेव पुरुषः तदा किमत्रत्वेन व्यपदिश्यते भवति च व्यपदेशे वृत्तिः। अगर चित्त और पुरुष भिन्न नहीं है, एक ही है, ते राहो शिरा शिलाकुतर्क से शरीरम, ये जो माधव निदान मधुकोष्टिका में इसके बारे में आया है कि राहु अगर शिर इस रूप से ही रहा है, जीवित रहा है, और केतु केवल धड़ से जीवित रहा है, निचला हिस्सा है, सर है ही नहीं उसका, इस प्रकार से तो राहु शिरा कहने में कोई मतलब ही नहीं है। राहु जो है वो सिर ही है उसका सिर, और केतु जो है वो उसका सर विरहित धड़ ही इस प्रकार का है। तो उसी प्रकार चैतन्यम पुरुष से स्वरूपम, पुरुष का स्वरूप चैतन्य इस प्रकार का है, ये वदतो व्याघात इस प्रकार का हो जाएगा। पुरुष और चैतन्य भिन्न नहीं है। यदा चित्तेरेव पुरुषात् तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते भवति च व्यपदेशे वृत्तिः। तो किसका किससे व्यपदेश इस प्रकार का हो जाता है, और उसमें हमारी वृत्ति हो जाती है, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं इस प्रकार से। तो ये काल्पनिक है। विकल्प जो है वो वस्तु शून्य, जिसमें वस्तु का होना ही नहीं है, फिर उसके ऊपर कल्पना की जाती है और उसी में हम फंस जाते हैं, उसी वृत्ति में लग जाते हैं। जैसे सोम शर्मा पिता के बारे में मैंने उदाहरण दिया, जो पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने दिया है इस प्रकार से, या फिर इसी प्रकार का कोई भी एक, मैंने हिंदी पिक्चर देखा था कि चना जोर गरम, ये जो है, तो 1% भी लोग अगर चना खाते हैं तो कितना चना लगेगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार के बारे में वो सोचना आरंभ कर देता है। और फिर ये चना जोर गरम वगैरह वगैरह जो है, उसके उससे मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। तो ये पहला अजम्पशन है कि 1% लोग चना जोर गरम खाएंगे इस प्रकार का, वो ही अगर गलत है, वस्तु शून्य इस प्रकार का है, तो आगे उसके बारे में जो भी कहा जाएगा वो सब झूठ इस प्रकार का ही रहेगा। लेकिन इसको प्रमाण में ही नहीं डाल सकते हैं, ये तो सही है, उसमें कोई संदेह, लेकिन इसको विपर्यय में भी नहीं डाल सकते, ऐसा पतंजलि का कहना। इसलिए उसको अलग बनाया कि विकल्प इस प्रकार का किया। यथा चैत्र से गौ हुई थी, चैत्र अलग है और गौ अलग है, तो उसके बारे में हम समझ सकते हैं कि चैत्र चैत्र की गाय है। तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो निष्क्रिया पुरुष तिष्ठति आध्यास्थास्यति, आध्यास है ना, क्या है कहना, स्थितः इति गति निवृत्त धात्वर्थ मात्रं गम्यते तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषा इति, उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्र अवगम्य थे न पुरुषान वही धर्म, तस्मात विकल्पिता सा धर्म तेन शास्त्रिक व्यवहार आए। प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म, जिस वस्तु का प्रतिषेध इस प्रकार का किया गया है, निष्क्रिय पुरुषा तिष्ठत, इस प्रकार का निष्क्रिय पुरुष स्थित है इस प्रकार का। अभी ये शायद प्रकृति और पुरुष इनके बारे में जो कहा गया है कि पुरुष ये निष्क्रिय इस प्रकार का है, सभी जो क्रिया करने वाली वो प्रकृति इस प्रकार की है। और ये अगर बात समझ में लेंगे तो वाचस्पति मिश्र या व्यास भाष्य, वाचस्पति मिश्र का नहीं है, व्यास भाष्य, तो द्वैत पर है ये नहीं कह सकते वास्तविकता इस प्रकार से। गति निवृत्त धात्वर्थ मात्रम गम्यते, गति निवृत्ति हो गई तो केवल धात्वर्थ उससे प्रतीत होता है, तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषा, और उसी प्रकार का
जो उत्पन्न नहीं करने वाला है, अनुत्पत्ति जिसका धर्म है, इस प्रकार का पुरुष है। इसमें प्रकृति और पुरुष के बारे में जो अंतर बताया गया है, और सुश्रुत ने सारे स्थान पहले अध्याय में इसके बारे में जिक्र किया है, और उभयोपि अनादि उभयोपि अनपरो वगैरह वगैरह इस प्रकार का, इसमें साम साधर्म्य क्या है और वैधर्म्य क्या है इस प्रकार का बताया गया है। तो प्रकृति परसवधर्मिणी है, उससे सभी जगत निर्माण इस प्रकार का होता है, और पुरुष उससे बिल्कुल अलग इस प्रकार का निष्क्रिय जो कुछ भी क्रिया करने वाला इस प्रकार का नहीं है। तो इससे केवल धात्वर्थ जो है कि उसमें गति नहीं है इस प्रकार का, यही तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषादि, अनुत्पत्ति जिसका धर्म है इस प्रकार का पुरुष होता है। उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्र अवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्मा, ये बाय निगेशन है कि उसमें उत्पत्ति धर्म का अभाव है, इतना ही समझता। वास्तव में पुरुष का धर्म क्या है उसके बारे में ज्ञान नहीं होता। तस्मात विकल्पिता सा धर्म तेन चास्ति व्यवहार, और फिर उससे विकल्प के बारे में सोचा जाता है। तेन चास्ति व्यवहार, और उससे व्यवहार की सिद्धि होती है। प्रकृति और पुरुष, ये जो सांख्य की कंसेप्ट है उसमें पुरुष प्रकृति से अलग है, और जो सब सृष्टि हम देख रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि जो सृष्टि हम देख रहे हैं इस प्रकार से, ये किसी का परिणाम है। अभी सांख्य के अनुसार ये सब जो परिणाम है वो प्रकृति का परिणाम इस प्रकार का। तो प्रकृति है महत महतः ये अहंकार, और फिर वो सात्विक राजस तामस, सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय, तामस अहंकार से पंचतन मात्रा, उससे पंचमा भूत, इस प्रकार के सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उससे अलग पुरुष का धर्म है, ऐसा उनका कहना। तो उससे पुरुष का धर्म क्या है उसके बारे में पता नहीं चलता, ये धर्म उत्पत्ति धर्म नहीं है, इतना ही समझ में उसमें आता। तो ये विकल्प में पड़ा है, विकल्प तस्मात विकल्पिता सा धर्म तेन चास्ति व्यवहार, और उससे व्यवहार होता रहता है। तो ये द्वैत मत के अनुसार इस प्रकार का थोड़ा सा है, और ये विकल्प भी वृत्ति ही है, जिसको भी त्यागना है, उसको भी छोड़ देना है, ऐसा उनका कहना है इस प्रकार से। तो प्रमाण विपर्यय और विकल्प, इन तीन वृत्तियों में जो अंतर है, प्रमाण से यथार्थ ज्ञान प्रमाण की सिद्धि होती है, स्थापित प्रमाण स्थापित होती है। विपर्यय इसलिए आवश्यक है कि हमारा हेतु सत हेतु हो और उससे यथार्थ ज्ञान ही हो। तो असत हेतु कौन कौन से है या हेत्वाभास कौन से है उनके बारे में हमें जानकारी होने के लिए ये विपर्यय जो है वो समझ में आना चाहिए। और विकल्प जो है कि वस्तु है ही नहीं वास्तव में, फिर भी उसके आधार पर हम कुछ कल्पनाएं करते हैं और उसके आधार पर व्यवहार चलता है, ये सबसे अहम चीज इस प्रकार की है। तो वो भी एक वृत्ति ही है, उसको भी हमें छोड़ना है, इस प्रकार से रहेगा। अगर प्रकृति पुरुष के बारे में अगर ये हम विकल्प के बारे में सोचते हैं ये व्यास भाष्य के आधार पर, तो पुरुष प्रकृति से अलग है, प्रकृति जो है वो निर्माण करने वाली इस प्रकार की है, क्रियाशील इस प्रकार की है, और पुरुष उससे अलग है। लेकिन पुरुष कैसा है ये समझने की बात नहीं है, वो समझ में नहीं आता है इस प्रकार। वेदांत शास्त्र में ऐसा है कि ये जो जगत है वो वास्तव में है ही नहीं। सांख्य तत्व ज्ञान में जगत है, उसका कर्ता या उसकी कर्ती प्रकृति है, और पुरुष उससे अलग है। और जब पुरुष को ये ज्ञान हो जाता है कि वो प्रकृति से अलग है तो उसका मोक्ष हो जाता है, ऐसी कल्पना है। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, मैं अलग हूं और ये
विश्व जो है वो अलग है इस प्रकार का, और वो सब प्रकृति से बनाया गया है इस प्रकार का सांख्य तत्व ज्ञान में, फिलोसफी इस प्रकार के तत्व ज्ञान में। वेदांती कहते हैं ये सब अविद्या है, माया है, और उसके कारण ये हमें जगत भासमान इस प्रकार का होता है, हमें लगता है कि ये जगत है इस प्रकार से। और जब ये अविद्या छूट जाती है तो ये जगत भी छूट जाएगा, जगत रहेगा ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है, ये जो वेदांत का मूल स्वरूप है। विकल्प म्हणजे कल्पना विलास का। मैं निश्चित रूप से नहीं, विलास जैसा ही है जो मैंने सोमशर्म पितृ कथा के बारे में बताया, वो इस प्रकार का कल्पना विलास ही है। वास्तव में कुछ भी नहीं होते हुए उसके बारे में विवरण करते जाना और उसको बढ़ा देना, बढ़ा चढ़ा कर देना, ये कल्पना विलास इस प्रकार का हो सकता है। तो वास्तव में जो है ही नहीं, वस्तु शून्य इस प्रकार का है, केवल शब्द ज्ञान के कारण हम उसके पीछे पीछे दौड़ते जाते हैं और अंत में प्रतीत होता है कि ये तो नहीं, ये तो वृत्ति ही थी इस प्रकार की, और उसको भी समाप्त करना इस प्रकार का है। तो ठीक है, कुछ हद तक कह सकते हैं, मैं पूर्णतः नहीं बता पाऊंगा कि ऐसा ही है या नहीं है इस प्रकार से, लेकिन तस्माद् विकल्पिता सा धर्मा तेन च अस्ति व्यवहारः, उससे व्यवहार होता रहता है, ये एक अहम चीज इसमें है, और इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर आगे चलते हैं निद्रा की तरफ। हाँ, वास्तव में ऐसा है, निद्रा का काफी वर्णन आयुर्वेद में आया है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, मूल सूत्र जो है अभाव प्रत्यय जिसका आलंबन इस प्रकार का है, जिसके आधार पर जो रहती है वो वृत्ति है निद्रा। तो अभाव का प्रत्यय इस प्रकार का होना कि ये वास्तव नहीं है, अभाव है वास्तव में, किंतु उस पर जिसका आलंबन है, उसके ऊपर जो निर्भर है, इस प्रकार की जो वृत्ति है वो निद्रा कहलाती है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा साच संप्रबोधे प्रति अवमर्शात प्रत्यव प्रत्यावशेषा कथम सुखम अहम अस्वाप्सम प्रसन्नम मे मनः प्रज्ञां मे विशारदी करोति दुःखम अहम् अस्वाप्सम ध्यानम मे मनो भ्रमति अनवस्थितम। तो ये जो वृत्ति है निद्रा, उसका ज्ञान संप्रबोधे प्रति अवमर्शात प्रति प्रत्यय अवशेषा, तो जागृत अवस्था आने के बाद जब हम सोए हुए थे और जब हम जागृत हुए, तो उसके प्रति ये जो निद्रा वृत्ति थी उसके प्रति अवमर्शात प्रत्यय अवशेषा, कि उसका जो प्रत्यय हमारे स्मृति में रह गया है, उससे प्रतीत होता है कि ये निद्रा नाम की वृत्ति थी इस प्रकार से, जो अभाव प्रत्यालंबना इस प्रकार की थी। कथम सुखम अस्वाप्स, किस प्रकार की वृत्ति है कि निद्रा बहुत अच्छी नींद आई, सुखम अहम अस्वाप्सम प्रसन्नम मे मनः, अभी मेरा मन प्रसन्न इस प्रकार का है, प्रज्ञा मे विशारदी करो, मेरी जो प्रज्ञा है वो अभी उसका स्फुरण हो रहा है, वो स्पष्ट इस प्रकार की हो रही है, और उसके विपरीत दुखम अहम अस्वाप्सम, मुझे बहुत बुरी नींद रही, अच्छी नींद नहीं लगी। स्त्यानम में मनः भ्रमति अनवस्थितम, मेरा मन स्त्यान इस प्रकार का है और अनवस्थित है, घूम रहा है इधर उधर घूम रहा है। गाढ़म मूढ़ा अम अस्वाप्सम, और मुझे बहुत गहरी निद्रा आ गई, कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ, मूढ़ा अम अस्वाप्सम, कुछ का किसी का भी ज्ञान नहीं हुआ,
गुरु ने मी गात्राणी, मेरे गात्र गुरु इस प्रकार के हो गए, क्लांतम में चित्तम, और मेरा चित्त भी क्लांत इस प्रकार का है। आलसम मुषितम इव तिष्ठति, तो जैसे अलस में पड़ा हुआ है इस प्रकार का मेरा चित्त अभी हो गया है। सकल अयम प्रबुद्धस्य प्रति अवमर्षो न साद असति प्रत्यानुभवे, तो जागृत होने के बाद जो निद्रावस्था में जिसका अनुभव किया, तो उसका अगर अनुभव नहीं होता तो इस प्रकार की वृत्ति नहीं। तो डेफिनेटली ऐसा है कि उस अवस्था में हमें उसकी अनुभूति हो रही थी, जागृत अवस्था में जब आई तब पता चला कि मुझे अच्छी नींद लगी थी, मेरा मन अभी प्रसन्न है, तब पता लगा कि मुझे अच्छी नींद नहीं लगी थी और ये सब मेरा मन अनवस्थित भ्रमित इस प्रकार का है, या इतनी गहरी नींद हो गई कि मेरे गात्रों में जड़ता इस प्रकार की आ गई है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वास्तव में ये थोड़ा सा सत्व रजस तमस से जुड़ा हुआ इस प्रकार का है। वर्बल डिल्यूजन follows from words having no corresponding reality is Vikalpa Swami Vivekananda. तो वही है शब्द ज्ञानानुपाती, verbal delusion आपको कोई मूर्ख बना रहा है, कुछ भी बता रहा है और आप उस पर विश्वास करके उसके शब्दों का अर्थ समझने लगे हैं, और जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होता कि ये वस्तु शून्य विकल्प इस प्रकार का है, तब तक आप उसी में फंस जाते हैं जो वास्तविकता है ही नहीं कुछ उसमें, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं कि अरे ये इस प्रकार से कह रहे था तो ऐसा ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो जैसे ये कल्पना विलास जैसे ये, लेकिन मुझे अभी पक्का मैं नहीं कह सकता कि वास्तव में है क्या इस प्रकार से, लेकिन ठीक है इस प्रकार से समझते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो अगर निद्रा में इस प्रकार का अनुभव नहीं होता तो जागने के बाद इस प्रकार की अनुभूति नहीं रहती कि मुझे अच्छी नींद लगी नहीं लगी, मैं बिल्कुल निमूड इस प्रकार का हो गया हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार की। जो अनुभूति उसके स्मरण से होती है, स्मरण जो है वो अनुभव के बिना स्मरण नहीं है, ये एक अहम नियम है कि स्मृति जो है वो अगर अनुभव है तो ही स्मृति हो सकती है इस प्रकार से। तो आगे स्मृति भी बताई गई है, निद्रा ये एक अलग वृत्ति बताई गई है और स्मृति भी एक अलग वृत्ति इस प्रकार की बताई गई है। तो निद्रा जो है वो निद्रा से जागने के बाद निद्रा वृत्ति के बारे में पता चलता है, स्मृति का और आगे थोड़ा सा रहेगा वो किस प्रकार से है उसके बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तदाश्रिता स्मृतेश्च द्वितीया न तद् विषया स्यु तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा, तदाश्रिता स्मृतेश्च, जर इस प्रकार के असत न कलो प्रबुद्ध से प्रत्याम वर्षो न स्यात् असति प्रत्यानुभवे, अगर उस प्रकार का अनुभव हमने निद्रा में नहीं लिया होता तो तदाश्रित इस प्रकार की स्मृति भी नहीं होती। तस्मात् प्रत्यय विशेषा निद्रा, तो जो प्रत्यय विशेष हो गया हमें कि मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ बोध रहा हूँ घूम रहा हूँ वगैरह वगैरह, सो जो अनुभव मैंने निद्रा में किया वो निद्रा वृत्ति है ऐसा इनका कहना है। और इसी को आगे बढ़ावा देते हुए ये पूरा जगत जो है वो भासमान इस प्रकार का है, वास्तव में है ही नहीं, ऐसा वेदांत का प्रतिपादन है। और जब तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानंद इस प्रकार का हो जाता है तो ये निद्रा नाम की वृत्ति का भी निरोध इस प्रकार का हो जाता है। जैसे जागने के बाद हमें पता चलता है कि अरे ये तो स्वप्न सपना था और ये तो सही नहीं है, वास्तव में नहीं है इस प्रकार,
एक बच्चों की कथा मैंने सुनी थी, ऐसी ही है कि कोई एक राजा है, उसका प्रधान है, और एक औरत उसके पास आती है और बोलती है, प्रधान जी ने मेरे पास से पैसे उधार लिए थे, उन्होंने अपनी तरफ वापिस नहीं किए। तो राजा प्रधान जी से पूछता है कि क्या तुमने इससे पैसे लिए थे और वापस नहीं किए? तो बोला, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर उस औरत को पूछता है राजा कि कब दिए थे? तो उन्हें वो सपने में देखे गया था। तो राजा कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा करो, तुम जाके सो जाओ और सब प्रधान जी तुम उनके सपने में जाकर उसके पैसे लौटा। इस प्रकार ये थोड़ा सा वास्तव में वस्तु शून्य विकल्प, इसमें विकल्प में जाएगा, निद्रा वृत्ति में नहीं जाएगा वास्तव में, लेकिन बच्चों के लिए उदाहरण अच्छा है। हाँ। कि सपने में जो वादा किया है वो सपने में ही पूरा करेंगे, वो रियलिटी में पूरा करने का क्या संबंध है इस प्रकार? तो उस प्रकार से अगर हमें उसकी स्मृति हो रही है कि मुझे अच्छी निद्रा लगी, तो उसका अनुभव होना जरूरी है। मुझे ऐसी स्मृति हो रही है कि मुझे बुरी निद्रा नहीं लगी, अच्छी निद्रा नहीं रही, या मूढ़ अवस्था इस प्रकार की मेरी हो गई थी उसमें, तो इसका मतलब है कि उसका कुछ अनुभव हुआ पहले और उसी के कारण उसका उसकी स्मृति बनी, और उस स्मृति का ज्ञान होने के वजह से मुझे ये ज्ञान होगा कि मुझे अच्छी निद्रा लगी थी नहीं लगी थी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो तदाशिता स्मृतेश्च तद विषया न स्युः तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा सा च समाधि वितर समाधौ इतर प्रत्यय प्रति अवयव निरोधान निरोधव्या। तो समाधि अवस्था में इतर प्रत्यय वत निरोधव्या, इतर जो प्रत्यय है उनके तरीके से इसका भी निरोध, इस वृत्ति का भी निरोध करना है, इस प्रकार से वो विवरण करते हैं। तो जैसे बाकी वृत्तियों का निरोध करना है, सभी वृत्तियों का निरोध इसमें करना है, उसी प्रकार से इसका भी निरोध करना है, ये पतंजलि का कहना है। इसके विषय में कृष्णाजी कोलटकर जी ने लिखा है, वो अलग ही है थोड़ा सा। उसने उसमें उन्होंने ये तंद्रा, आलस्य वगैरह वगैरह ये सपने के बारे में बताया है, ये सुखम अस्वाप्सन वगैरह के बारे में, लेकिन तंद्रा को भी उसमें लाया है। वास्तविक निर्दार्थस्य व यस्य तस्य तंद्रा निर्देश, जो जैसे एक निद्रार्थ व्यक्ति जिस प्रकार के चेष्टा करता है, उस प्रकार की चेष्टा अगर होती है तो उसको तंद्रा कहते हैं, यह हमारा सुश्रुत का वचन है इस प्रकार से। तो निद्रा तंद्रा निद्रा से अलग है, यहाँ जो वृत्ति का वर्णन किया है वो निद्रा वृत्ति है, तंद्रा वृत्ति के बारे में यहाँ पे बहस नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने वहां पे लाया है, शायद कुछ लोगों ने उसके बारे में तंद्रा भी बताई होगी, इसलिए उसके बारे में उन्होंने विवरण किया है। लेकिन हमारे हिसाब से तंद्रा एक अलग चीज है। शंकराचार्य ने 7 प्रकार की निद्रा बताई बताई है, और उसमें एक ही केवल प्राकृतिक की निद्रा इस प्रकार की है, बाकी सब जो है वो वैकारिक निद्रा इस प्रकार के कही गई है। हमें उससे लेना देना है या नहीं लेना देना है ये अलग चीज है। हमारे हिसाब में निद्रा एक उपस्तंभ है और उसका एक महत्व है स्वास्थ्य के हिसाब से, तो उसका विवरण ज्यादा चरकाचार्य ने किया है। उनको ये निद्रा वृत्ति के बारे में उनका वहां पे कोई मकसद नहीं है, प्रयोजन नहीं है वृत्ति के बारे में सोचना। तो निद्रा का जो आयुर्वेद में वर्णन आया है वो एक उपस्तंभ के नाते या उसके जरिए उसका वर्णन आया है, और तंद्रा एक अलग चीज है, वो ज्यादातर रोगों में पाई जाती है और बहुत सारे बीमारियां होती है कि जिसमें संन्यास अवस्था प्राप्त होने के पहले तंद्रा दिखाई पड़ती है, और उसमें बहुत जागरूक रहना पड़ता है, और जितने जल्द उसको हटा सकते हैं तंद्रा को
उतने संन्यास अवस्था में जाने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आदमी संन्यास अवस्था में चला जाता है और फिर उसका बचना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो जिक्र तंद्रा के बारे में किया है वो यहाँ पे अप्रस्तुत इस प्रकार का है थोड़ा सा। चाहे कुछ लोगों ने उसके बारे में थोड़ी बहस की होगी या उसके बारे में कुछ विवरण करने का प्रयास किया होगा, इसलिए उन्होंने वो विषय वहां पे लाया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ निद्रा का ही विषय है। और वैसे देखा जाए तो ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति है। जब तक ये इस प्रकार की वैकारिक निद्रा है, दुख भरी निद्रा है या मूढ़ इस प्रकार की निद्रा है, वो वैकारिक ही रहेगी, वो क्लिष्ट निद्रा इस प्रकार की रहेगी। और सुखमहमस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, इस प्रकार की जो निद्रा है वो क्लिष्टता से दूर है, तो उसमें क्लिष्टता नहीं है, अक्लिष्ट निद्रा इस प्रकार की रहेगी। और योगी लोगों को वो निद्रा फिर भी आती रहेगी। जब वो असंप्रज्ञात तो समाधि में रहेंगे तब ये वृत्ति भी नहीं रहेगी, लेकिन उस अवस्था में जब नहीं रहेंगे तदा वृत्ति सारूप्य मितरत्र इस सूत्र के अनुसार अगर वो सो रहे हैं, निद्रा ले रहे हैं, तो भी वो एक प्रकार की अक्लिष्ट वृत्ति ही है। अंत में उस वृत्ति का भी त्याग करना ही है, ऐसा कहने का मतलब है। तो इसके बारे में आगे चलकर उसका भी निरोध हमें करना है, इस प्रकार का उनका कहना है। सत्वसार या सात्विक व्यक्ति को निद्रा कम लगती है, योगी लोग बहुत भी कम निद्रा लेते हैं, तो जा उनका इस निद्रा वृत्ति को निरोध का प्रयत्न रहता है या प्राणायाम आदि के वजह से स्लीप का कोटा कम हो जाता है, दोनों है। जब उनके योगाभ्यास के कारण अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोधा, ये जो बताया गया है कि अभ्यास और वैराग्य इसके बारे में इसके जरिए उनका निरोध इस प्रकार का होता है, तो एक अभ्यास रहता है योग का और जरूरत कम हो जाती है निद्रा की। 2-3 घंटे निद्रा लेकर भी उन्हें जो निद्रा का आवश्यकता है, निद्रा की आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति हो जाती है। और प्रयत्न शैथिल्य समापत्ति, ये भी आगे बताए गए, वहां तक पहुंचे नहीं है, वहां तक जब जाएंगे तो शायद उसके बारे में जिक्र होगा। लेकिन द अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, इसमें उनका कहना है कि बहुत कम खाना योगी लोगों के लिए पर्याप्त होता है, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी बहुत निद्रा कम लगती है, ज्यादा निद्रा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं और कार्य की शक्ति उनकी बहुत ज्यादा इस प्रकार की होती है। तो ये शायद योगाभ्यास का परिणाम है। और अंतिमतः इस वृत्ति का भी त्याग करना है, और योगाभ्यास से ये क्लिष्ट वृत्ति के बजाय ये अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी, ऐसा थोड़ा सा मुझे लगता है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और ये विषय ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट होता जाएगा तो उसके बारे में हमें कुछ पता चले, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो मेरे ख्याल में निद्रा के बारे में आयुर्वेद में जो कुछ लिखा है वो दोहराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सोच रहा था कि उसके बारे में थोड़ा सोचे, लेकिन मुझे लगता है कि वो 3 उपस्तंभ के बारे में निद्रा एक है और उसके हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से उसका वर्णन ज्यादा है, निद्रा वृत्ति के हिसाब से इसका वर्णन नहीं है। तो वो सब बातें लाने की यहाँ पे जरूरत मुझे नहीं महसूस होती। तो आगे जो स्मृति है उसको लेकर कल से आगे जाएंगे, और निद्रा भी एक वृत्ति है, इतना ही हमें समझ लेना है। और
उसका एक आधार है, अनुभव है, इसलिए ये वृत्ति बनती है। ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो ठीक है, यहीं पे आज रुकते हैं, कल आगे करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिन्द्राञ्जलिराम तोऽस्मि। तो यहीं पे रुकते हैं और कल इसको आगे लेकर चलेंगे।